हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएमजी मीडिया यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बोया M1 माइक की। तो चलिए मैं फटाफट से इसे ओपन कर देता हूं, जो हमने पार्सल मंगाया था अमेजोन से। तो देखते हैं ये पार्सल कैसा है। तो फाइनली हमने अपना पार्सल ओपन कर दिया है और हमें इसके अंदर मिला है बोया M1 माइक का बॉक्स और उसके साथ में एक बिल। तो इस बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं बोया M1 माइक की इमेज की कैसा है, और इसकी ओरिजिनलिटी भी आप चेक कर सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि बोया M1 माइक ओरिजिनल कौन सा होता है और डुप्लीकेट कौन सा। तो चलिए इसे ओपन कर देते हैं। तो फाइनली हमें इसके अंदर मिला है एक लेदर की थैली और एक वारंटी कार्ड, जो कि आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल है। और एक बुकलेट जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि बोया माइक को कैसे यूज करना है। इसे हम रख देते हैं साइड में। ये देखिए बोया M1 का एक स्टिकर, और ये है वो थैली जिसके अंदर अपना है बोया M1 माइक और कुछ अटैचमेंट। और एक ये है कनेक्टर, जो हम डीजे वाली बड़ी मशीन के अंदर भी लगा सकते हैं। और एक क्लिप और ऊपर का कैप, और ये स्टिक जो अपन शर्ट के यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी के साथ हमें मिल जाता है 20 फीट का लंबा वायर, और उसके साथ जो इसका सर्किट है। तो जल्दी से इस वायर को भी मैं ओपन कर देता हूं और देखता हूं कि ये कितना लंबा दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कंप्लीट 20 फीट का है। तो चलिए एक एक करके मैं इसके अटैचमेंट जोड़ देता हूं। इसकी ये क्लिप, ये इसका ऊपर का कैप है, तो अपना क्लिप कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर आई है एक बैटरी और एक कनेक्टर। तो चलिए मैं फटाफट से इसके अंदर बैटरी डाल देता हूँ, जो इसके साथ में ही हमें मिली थी। इसके ऊपर निशान लगा हुआ है कि हमें प्लस किस तरफ रखना है और माइनस किस तरफ। तो मैं प्लस की तरफ प्लस और माइनस की तरफ माइनस करके इसे आराम से फिट कर देता हूँ। तो इसके अंदर हमें मिल जाता है एक स्विच, जो ऊपर अपन DSLR कैमरा में यूज़ करते हैं और नीचे का ऑफ या फिर माइक्रोफोन, जो अपन मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। अब हमें माइक के साथ वीडियो बनाने के लिए चाहिए ओपन कैमरा,
उसी से हम अपने सारे वीडियोस बनाएंगे यानी कि कैप्चर करेंगे। अब हमें अपने प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर सर्च करना है ओपन कैमरा। और उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसे ओपन करना है और उसको परमिशन अलाउ कर देना है। और फिर हमें सेटिंग में जाना है, वीडियो सेटिंग में जाना है और जाना है ऑडियो सोर्स में और वहाँ पर एक्सटर्नल माइक को ओके कर देना है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अब हमें अपने सारे वीडियो ओपन कैमरा से ही शूट करने हैं। ओरिजिनल माइक की पहचान करने के लिए यहाँ पर जो पन्नी आती है उसको उखाड़ लेना है और उसके नीचे हमें जो बीच का ऑप्शन को रिकॉर्ड है उसको हमें स्कैन करना है और उस पे उसकी बोया माइक की साइड पे चले जाना है और वहाँ से हम पता लगा सकेंगे कि ओरिजिनल बोया माइक है या नहीं।